सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BGMI। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप के बारे में, जिसका यूज़ करके आप विदाउट एनी लैग गेम प्ले रिकॉर्ड कर सकते हो। तो भाई, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, BGMI के कंटेंट क्रिएटर हो, या फिर किसी अदर गेम के भी अगर आप क्रिएटर हो, मतलब आप गेम प्ले वगैरह रिकॉर्ड करते हो, तो भाई आपको लैग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी अगर आपके पास एक कोई अच्छा खासा डिवाइस नहीं है। तो भाई, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डर बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप विदाउट एनी लैग और FPS ड्रॉप के आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ना आपको गेम में कोई लैग देखने को मिलेगा और ना ही भाई रिकॉर्डिंग में कोई लैग देखने को मिलेगा। कुछ कुछ बार में सीन का होता है कि आपका गेम तो नहीं लैग करता, लेकिन बाद में जब आप उस रिकॉर्डिंग को प्ले करते हो तो आपकी रिकॉर्डिंग लैग कर रही होती है, मतलब अटक रही होती है रिकॉर्डिंग। तो भाई, इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मतलब सॉल्यूशन का आपको एक ऐप बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो भाई, वीडियो पे एंड तक बने रहना। और हाँ गाइस, अगर चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को भी लाइक कर देना। सो गाइस, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। सो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको जिस ऐप के बारे में बता रहा था, उस ऐप का नाम ADB स्क्रीन रिकॉर्डर है। और गाइस, इस ऐप में आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से फ्रेम रेट एडजस्ट कर सकते हो, मतलब गाइस फ्रेम रेट बोले तो अपना FPS जो होता है। और गाइस, इसमें आप अपने वीडियो का रेजोल्यूशन भी सेट कर सकते हो, और इसी के साथ साथ आपको बिट रेट को भी एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है इसमें। और भाई, सबसे सही चीज़ में ये है कि आप इसमें अपना इंटरनल ऑडियो के साथ साथ माइक वगैरह का भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब माइक्रोफोन ऑडियो और इंटरनल ऑडियो दोनों एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हो। और भाई, रुक जाओ, अभी इतनी जल्दी प्ले स्टोर मत ओपन करो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो यार। इसकी मैं कुछ सेटिंग्स वगैरह भी बताने वाला हूँ जिसको सेट करने के बाद आपको एकदम लैग फ्री गेम प्ले रिकॉर्ड करने को मिल जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है कि आप अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना और वहाँ पे आपको सर्च करना है ADB स्क्रीन रिकॉर्डर, जैसा कि मैं अभी यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। और भाई, सर्च कर लेने के बाद आपको यहाँ पे एक ग्रीन कलर की ऐप देखने को मिल जाएगी, ग्रीन है, बीच में एक लोगो है व्हाइट कलर का। और उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाना और वहाँ पे आपको रिव्यूज़ का सेक्शन दिख रहा होगा। अगर गाइस आपके पास टाइम हो तो एक बार यार इसको ज़रूर से पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कितनी वर्किंग ऐप है और क्या है नहीं है। मतलब गाइस, काफ़ी लोगों ने काफ़ी सही रिव्यू दिए इस ऐप को लेकर। और आप लोग सोच रहे हो कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो, नहीं भाई ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरे को खुद से अच्छी लगी है ऐप, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई, इसमें मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं मिली हुई है इस ऐप की। और गाइज, अगर मैं इसकी डाउनलोड साइज़ की बात करूँ तो भाई ये खाली 6 MB की एप्लीकेशन है यार, काफ़ी लाइट वेट एप्लीकेशन है। और इसके अलावा भी आपको बहुत सारी ऐप्स देखने को मिल जाएंगी प्ले स्टोर पर, लेकिन गाइज ये सबसे बेस्ट ऐप है उनमें से, क्योंकि गाइज इसका डाउनलोड साइज़ भी कम है और भाई ऐप के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। और भाई, ये ऐप आपको उस टाइप का परफॉर्मेंस भी निकाल के दे देती है यार। सो गाइज, अब मैं आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह बता देता हूँ जिसको कर लेने के बाद आप एकदम लैग फ्री गेम प्ले रिकॉर्ड कर सकते हो। गेम प्ले रिकॉर्ड करो या फिर मोंटाजेस वगैरह बनाने के लिए भी अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो भाई एकदम लैग फ्री रिकॉर्ड कर सकते हो। तो भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐप को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको वहाँ पे ओपन कर लेना, और आपको यहाँ पे कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज वगैरह शो हो रही होंगी तो उसको आपको एग्री कर देना है। और गाइज, उसके बाद आपको यहाँ पे बीच में एक अलाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको आपको अलाउ पे टैप कर देना। उसके बाद गाइज, आपको यहाँ पे राइट में ये जो 3 डॉट दिख रहा है सबसे टॉप में, उस पर आपको टैप करना, और वहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में सेटिंग्स दिख रही होगी उसके ऊपर टैप कर देना आप। और वहाँ पर टैप कर लेने के बाद आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग इंजन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको आपको न्यू एडवांस इंजन पे ही रहने देना। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा वीडियो रेजोल्यूशन करके, इस पर आपको टैप कर लेना। और टैप करने के बाद आपको यहाँ पे अभी 720 पे दिख रहा होगा, लेकिन गाइज आपको इसको 720 से हटा के अपने हिसाब से भी आप सेट कर सकते हो, लेकिन गाइज अगर आप मेरी मानो तो आप इसको यूज़ स्क्रीन रेजोल्यूशन पे कर देना गाइज, ये बेस्ट होगा आपके लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा वीडियो बिटरेट का, इस पर आपको टैप करना, और इस पर टैप कर लेने के बाद अभी आपको 6 MBPS दिख रहा होगा। और गाइज, बेसिकली वीडियो बिटरेट से होता क्या है, तो भाई इससे आपकी जो वीडियो की क्वालिटी और साइज़ है दोनों इसी पे डिपेंडेंट होती है। अगर गाइज इसको आप कम कर दोगे तो भाई आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है और जो भी आपकी वीडियो की साइज़ है दोनों कम हो जाएगी। और वहीं पर अगर आप इसको 2 MBPS से उठा के 15 MBPS पर डाल दे तो भाई आपकी वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी और साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको इसमें मैं यही प्रीफर करूँगा कि आप इसको 8 MBPS पे करके छोड़ देना, यही बेस्ट है। उसके बाद आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा वीडियो बिट फ्रेम रेट का, इस पर आपको टैप करना और यहाँ पे आपको 60 FPS पे करके छोड़ देना भाई। इससे आपको स्मूथ गेम प्ले मिल जाएगा एकदम रिकॉर्ड करने को, मतलब गाइज अगर आप इस पर रिकॉर्ड करोगे तो आपको एकदम स्मूथ रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो भाई आपको इसको 60 पे डाल के छोड़ देना है। उसके बाद गाइज आपको नीचे दिख रहा होगा वीडियो ओरिएंटेशन, तो उसको ऑटो पे ही करके छोड़ देना। और यहाँ पे आपको रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा एक, इस पर आपको टैप करना और यहाँ पे आपको इंटरनल ऑडियो पे कर देना है। अगर आपका डिवाइस एंड्रॉयड 10 है या उससे एवव है, कोई सा भी 11 हो या 12 हो, उससे मैटर नहीं करता।
और बस इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कैमरा का जो ऑप्शन है, अगर आप कैमरा यूज़ करना चाहते हो तो उस पर आप ऑन कर लेना, और अगर नहीं यूज़ करना तो भाई उसको वैसे का वैसा ही छोड़ देना। और गाइज इसके बाद आपको सबसे नीचे एक आउटपुट फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आप टैप करना, और यहाँ पे बेसिकली ये होगा कि आपको सेव कहाँ पे करना है अपनी रिकॉर्डिंग को, इंटरनल स्टोरेज या फिर एक्सटर्नल एसडी कार्ड। अगर गाइज आपने एसडी कार्ड लगा रखा है तो भाई आप उस पर कर देना, और अगर गाइज आपने एसडी कार्ड नहीं लगाया तो फिर आप उसको इंटरनल स्टोरेज पे ही छोड़ देना। सो गाइज बेसिकली यही कुछ सेटिंग्स थी जिसका यूज़ कर लेने के बाद आप इस ऐप से एकदम लैग फ्री गेम प्ले रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब कि गाइज एकदम स्मूथ गेम प्ले रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगर गाइज आपको इसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को एक बार वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा या फिर गाइज आपको वहीं पर उसका सोल्यूशन बता दूंगा। तो गाइज आज की ये वीडियो यहीं तक थी, अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। तो चलो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।